निष्काम सेवा ऑर्गेनाइजेशन तकरीबन 36 जिहड़े हैगे आ कैंप हुण तक लगा चुके ने, चाहे वह वैक्सीन दे होण जां फिर हड्डियां दा भी होवे जां ब्लड दा भी होवे। लेकिन अज 37वां कैंप जिहड़ा हैगा आ वह एक होमोपैथी जिहड़ा हैगा मैडिसिन दा वह लगाया गया हैगा आ, तां कि जिहड़ियां बीमारियां तकरीबन हर घर दे विच हर कोई बंदा बीमार आ, चाहे वह मैं खुद भी अपनी गल करां अपने परिवार की गल करां, अगर रोटी मिले ना मिले दवाई जिहड़ी की आ वह जरूरी हो चुकी हैगी आ। लेकिन ये संस्था जिहड़ा मेन काम हैगा आ लोगों की सेवा करना, तकरीबन लॉकडाउन के विच ही लोगों का काफ़ी साथ देती आई आ, लोगों को वैक्सीन लगा के लोगों को राशन देती आई आ, और इतों तक कि बीमारियों में भी लोगों का साथ, जिते लोगों को पैसे नहीं सी उन्होंने मदद भी करती आई आ। बड़ी वड्डी गल आ जे आपां इन्हां दे प्रधान की गल करिए कि जेके तो बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर तो रहने वाले ने, लेकिन पंजाब के जिहड़े हैगे ने अपनी कर्म भूमि जिहड़ी हैगी आ वह उत्थे अपना बिजनेस वगैरह अपना परिवार वगैरह अमृतसर की धरती उत्ते रहिंदे ने। लेकिन जज्बा वेखो, इंसानियत वेखो, और लोगों की मदद करनी बड़ी वड्डी। आप इस गल्लू खुद भी अपने चैनल के माध्यम राही इन्हां नू सलाम करते हैं, और जिहड़ा अज कैंप लाया आ उहदे बारे भी जानते हैं कि अज जिहड़ा तुसीं कैंप जिहड़ा होमोपैथिक वह किवें सोचिया, क्योंकि अक्सर तुसीं वैक्सीन कैंप लगाउंदे सी जां ब्लड कैंप लगाउंदे सी जां तुसीं हड्डियां दा कैंप भी तुसीं लगाउंदे सी, अज होमोपैथिक जिहड़ा हैगा ग्राउंड जीरो लैवल दे लोकां नाल जुड़न दी जिहड़ी हैगी आ नवीं तुसीं एक सोच जिहड़ी अपनाई आ, इह कितना तुहाडे जीवन दे विच आई। बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा, जय श्री राम, सत श्री अकाल सारे। मैं एक कैंप जिहड़ा साडा हैगा सी, मैं काफ़ी देर तो मैं देखता पिया सी शहर च साडे डेंगू ने बहुत पैर पसारे सी। एक दिन मैनू डॉक्टर साहब मिले, डॉक्टर ओहजा जी मैनू मिले, तो मैं उन्होंने कोई मेरा पेशेंट हैगा सी हॉस्पिटल एडमिट, वो ठीक नहीं होंदे पे सी, मैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी मैनू कोई दवाई दे दो जिहदे नाल पेशेंट साडा ठीक हो जाए। काफ़ी दिन तो दुखी है, परिवार भी दुखी सी, पैसे भी लग रहे सी, तो चलो खैर पार्टी अच्छी सी, पैसे वो लगाने तैयार से उस हॉस्पिटल च भी, लेकिन फर्क नहीं पैंदा पिया सी पेशेंट। उस तो बाद मैनू आहूजा साहब मिले, इन्होंने मैनू दवाई दी, उन्हां दी उल्टियां नहीं रुकदी सी, उहदे नाल नाल उन्हां दे जिहड़े प्लेटलेट्स भी बहुत घट सी। मैं इन्होंने रिक्वेस्ट की थी, इन्होंने मैनू दवाई दिती, और तुसीं यकीन नहीं करोगे कि सेम डे रात नू उल्टी रुक गई, उन्हां दी वोमिटिंग बंद हो गई, और उस तो बाद अगले दिन तो प्लेटलेट्स वध गए। उस हॉस्पिटल से अपन गल नहीं की थी कि असी दूसरी एलोपैथिक दवाई वो बंद करती सी अपने आप ही, और असी उन्होंने गल नहीं की थी कि असी इन्हों आयुर्वेदिक देन लगे या अपनी जो होम्योपैथिक दवाई देन लगे। तो मैं हैरान सी कि दो दिन बाद उन्होंने जोड़े प्लेटलेट से वो 2.5 लाख तो उपर चले गए। सो मैं डॉक्टर साहब ने उस तो बाद मैं 3-4-5 पेशेंट ठीक हो चुके हैं। तो मैं अज सोचता पे सी यार, फिर मेरे दिमाग चाहे मैं डॉक्टर साहब ने रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहब असी अपने कैंप क्यों नहीं ऑर्गेनाइज़ करिए, डेंगू ने भी पैर पसारे, उस तो बाद लोगों की पत्थरियाँ की बहुत समस्या है, लोगों तुसी वेख्या उन्होंने गैस की बहुत समस्या, चाहे वो आजकल टेंशन है, हाइपर टेंशन है, वो करके गैस की प्रॉब्लम चल रही लोगों। तो डॉक्टर साहब ने बहुत बहुत मैं उन्होंने धन्यवादी हाँ, इन्होंने एक्सैप्ट की मेरी रिक्वेस्ट, उसी वेले उन्होंने किया चलो ठीक है रहना जी अपन कैंप लाओगे। और अज जिहड़ा साढ़े मेरे नाल बैठे हैं करण जी भी बैठे, साढ़े निष्काम सेवा के मैंबर, और भी मेरे सारे कई मेरे मैंबर आए से अज निष्काम सेवा, मैं उन्होंने भी बहुत धन्यवादी हाँ। तो अज तुसी वेख्या उन्होंने लोग किस तरह आ के दिखा रहे, तो मैं लोगों को अपील करता तुसी जिहड़ा होम्योपैथिक ते इत्थे तुसी यकीन करो, क्योंकि ये ऐसी दवाई है जिहदे नाल कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। मेन बॉडी कित्थे साडी, जे असी लिवर का इलाज करा रहे ठीक है, एलोपैथिक लिवर का इलाज करता, उहदे नाल अपन चार जिहड़े ऑर्गन है और ख़राब करके बह जाते गलती नाल। तो यह जी दवाई है ये तुहानूं प्रॉपर दवाई मिलती, जड़ तो बीमारी दूर करती। मैं तो जिहड़े पेरेंट्स है उन्होंने भी रिक्वेस्ट कर, जिहड़े छोटे छोटे बच्चे होंदे तुहाडे कोल उन्होंने भी तुसी आदत शुरू तो ही पाओ, तुसी उन्होंने होम्योपैथिक की आदत पाओ, ताकि जिहड़ा आने वाला समय है उन्होंने कोई बॉडी का कोई ऑर्गन कोई कुछ खराब ना हो जाए। इस करके मैं उन्होंने धन्यवादी हाँ। अज साडा निष्काम सेवा अज जिहड़ा कैंप लग्या बालाजी मंदिर च लग्या, मैं मंदिर कमेटी का भी बहुत बहुत धन्यवादी हाँ, क्योंकि हमेशा साडा साथ देंदे जदों भी असी कैंप। अज साडा जिहड़ा कैंप है वैक्सीनेशन दे भी 36 कैंप ला चुके हैं, जिहदे च 10,000 तो उत्ते वैक्सीनेशन हो चुकी है। उस तो बाद अपन हड्डियां दे कैंप ला चुके हैं, उस तो बाद हड्डियां दा जिहड़ा साडा एलोपैथिक कैंप सी वो, उस तो बाद अपन ब्लड कैंप 4-5 लगा चुके हैं। मतलब अज असी दिमाग च सोचा यार असी अज होम्योपैथिक कैंप भी लगा के देखिए, क्योंकि एक्सपीरियंस सी, रीसेंट एक्सपीरियंस सी मेरा कि डेंगू दे मरीज़ 2-4 ठीक हो गए सी, इस करके अपन अज कैंप भी इत्थे लाया।
ਏਸੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪੋਸਟਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਐਡਰੈਸ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਹੂਜਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਹੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 88 ਫੁੱਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈਗਾ ਆ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਰਗਾਹ ਬਾਬਾ ਘੋੜੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 88 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਮੁਸਤਾਫਾਬਾਦ ਔਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ 98555 66 121 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਹੂਜਾ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗਏ ਹੋ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਬਾ ਆ ਲੇਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਈ ਜਾਓ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਲੇ ਲਗਾਈ ਜਾਓ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੂਡਲ ਬਰਗਰ ਸਮੋਸੇ ਖਾਈ ਜਾਓ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾਓ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਹੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਰਮਿਆਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਮੁੜ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆ ਫਿਰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਥੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਲਦੋ ਜਲਦ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ